पनामा पेपर लीक मामले में ऐश्वर्या राय के बाद अब उनके ससुर अमिताभ बच्चन की मुश्किलें बढ़ने वाली है। कल ऐश्वर्या से ईडी ने करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी। कई अधिकारियों ने मिलकर ऐश्वर्या से सवाल जवाब किए। शाम होते होते ये मुद्दा राजनीतिक बन गया। ऐश्वर्या की सास और सपा सांसद जया बच्चन ने संसद में हंगामा मचा दिया। यहां तक कि जया ने मोदी सरकार को श्राप तक दे डाला। लेकिन जया की इस भड़ास का ईडी पर कोई असर नहीं पड़ा है। पिछले महीने इस मामले में अभिषेक बच्चन से पूछताछ हुई थी। दैनिक भास्कर के सूत्रों की माने तो अब इस मामले में ईडी अमिताभ बच्चन को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। आरोप है कि अमिताभ की विदेश में पड़ी ब्लैक मनी को छिपाने के लिए उन्हें 4 शेल कंपनियों में डायरेक्टर बनाया गया था। इनमें से 3 कंपनियां बहामास में थी, जबकि 1 कंपनी ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड में रजिस्टर थी। ये कंपनियां 1993 के आसपास बनाई गई थी। पनामा पेपर्स में बताया गया है कि इन फर्जी कंपनियों की वैल्यू तो कुछ $1,000 की थी, लेकिन ये जो कारोबार कर रही थी वो करोड़ों डॉलर्स के थे। अमिताभ पहले भी इस मामले में सफाई दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि वो ऐसी किसी कंपनी के डायरेक्टर ही नहीं बने जिनका रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। फिलहाल तो अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि ईडी कब अमिताभ को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाएगी। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट में बताइए। और भी ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।